तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल नेचरिंग टेक में। और दोस्तों आज की वो ये वीडियो स्पेशली विमेंस के लिए है, फेमिनिज्म के लिए है, यानी जो भी फीमेल मेंबर्स हमारे चैनल के साथ अटैच है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पे 5 से 10% ऑडियंस फीमेल है। तो आज मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है और आई होप आप सारी फीमेल्स ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आए। और फीमेल क्यों नहीं, मेल्स को भी जिनको कुकिंग में शौक है, या उन मेल्स को जो घर पे माइक्रोवेव ओवन लाना चाहते हैं पर कंफ्यूज है, तो ऑब्वियसली जो वीडियो है आप सभी लोगों को समर्पित है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। और इस वीडियो में मैंने टॉप 5 ब्रांड्स रखे हैं, उनके टॉप माइक्रोवेव ओवन्स को रखा है जो कि 15,000 के अंदर अंदर आपको अवेलेबल है और बेस्ट क्वालिटी में है, बेस्ट वारंटी के साथ है और 30 से 28 से 30 लीटर के आसपास के सारे ये माइक्रोवेव ओवन्स है। इन सब की सारी डिटेल मैंने वीडियो में बोल दी है, पिक्चर्स भी बड़ी बड़ी आपको दिखाई ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस वीडियो में क्या क्या, मतलब इन ओवन्स में आपको क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं। हालांकि सारे माइक्रोवेव मतलब ओवन सारे बिल्कुल सेम है, स्टेनलेस बॉडी है और स्टेनलेस स्टील बॉडी है, बाकी आपका जो बाहर से आउटलुक है वो तो है, ये मेन्यूज हो गए, सब कुछ है। तो मैंने हर एक प्रकार का ओवन हर एक कंपनी के हिसाब से 5 कंपनियां ली हैं, पांचों का एक एक ओवन डाला है जो उनकी तरफ से अभी बेस्ट है 2019 के हिसाब से। तो आप आंख बंद करके ले सकते हो। सारे ही माइक्रोवेव ओवन्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अमेज़न की, आप बस क्लिक करो और उसी लिंक से जाकर बाय कर लो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलिए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पहले ओवन के बारे में। यहाँ IFB 30 लीटर कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन है ये, यानी कि आप इसमें सारे टाइप ऑफ कुकिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसकी बॉडी जो अंदर कैविटी वो स्टेनलेस स्टील की है, LED डिस्प्ले आपको मिल जाता है, बाकी सारे टाइमर्स आपको मिल जाते हैं, आप ग्रिल प्लस माइक्रोवेव भी कर सकते हो, कन्वेक्शन प्लस माइक्रोवेव कर सकते हो। वारंटी की बात करें तो इसमें 1 ईयर आपको वारंटी मिलती है और 3 ईयर की आपको मैग्नेट्रॉन की, यानी कि अंदर जो कॉइल लगी होती है जिसकी वजह से सारी कुकिंग होती है, वो आपको मिलेगी 3 ईयर्स की वारंटी पे। बाकी स्पीड रिस्पॉन्स, स्टीम क्लीन एंड मल्टी स्टेज ऑफ कुकिंग, ये सब आपको हर ओवन्स में मिलते ही मिलते हैं। 100 कुकिंग मेन्यूज आपको मिलते हैं ऑटो कुक करने के लिए, यानी कि अगर आप अपने साथ मतलब आप बस खाना रखो, आप मान लीजिए आपने चावल रखे तो आप बस राइस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटो कुक कर देगा। अगर हम माइक्रोवेव पावर की बात करें तो 1400 वाट्स पे काम वर्क करेगा, कन्वेक्शन में ये 2200 वाट्स का काम करता है और ग्रिल पे 1250 वाट्स का। बाकी डायमेंशंस राइट आप फोटोज में समझ ही सकते हैं। 1 ईयर की मशीन वारंटी मैंने आपको बता ही दी, इंस्टॉलेशन और डेमो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो ये एक IFBA का प्रोडक्ट है, ये मुझे IFBA का प्रोडक्ट मुझे सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने टॉप पे रखा और ये अमेज़न चॉइस पे भी के लिस्ट में भी गया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है जो आप 15,000 के अंदर ले सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ओवन की ओर, बात करते हैं दूसरे माइक्रोवेव ओवन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने चुना है हायर का 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। ये अपने कैटेगरी में एक अकेला था और अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे डाला। इसकी कैपेसिटी जो है वो 28 लीटर की कैपेसिटी है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन तीनों आप आराम से यूज़ कर सकते हो, सारे टाइप ऑफ कुकिंग इसके अंदर हो जाएगी। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर ऑफ प्रोडक्ट वारंटी आपको मिलती है और मैग्नेट्रॉन पे भी सिर्फ 1 ईयर की ही वारंटी मिलती है, ठीक है। इसके साथ आपको कोई स्टार्टर किट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बाकी हम बात करें तो 950 पे काम करेगा इसके जो मैग्नेट्रॉन पावर है। ग्लास फिनिश आपको मिल जाती है, एनर्जी सेविंग आपको 40% तक मिलेगी और अंदर जो स्टील कैविटी हाई है। तो ये सारे जो फीचर्स है नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है अगर किसी को ज्यादा फंक्शनैलिटी वाला ओवन नहीं चाहिए। और प्राइस भी 11,399 रखी गई है। तो अगर आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी वाला नहीं चाहिए, सिंपल और सोवर चाहिए, तो आप हायर की तरफ जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी लिस्ट में और अच्छे अच्छे इसमें मैंने डाल रखे हैं। तो ये था सेकेंड वाला माइक्रोवेव ओवन, बाकी बढ़ते हैं तीसरे वाले की ओर। दोस्तों बात करते हैं तीसरे ओवन के बारे में और तीसरे मैंने सबसे अच्छी कंपनी जो रखी है इसमें LG को रखा है और ये भी एक 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। इसकी कैपेसिटी 28 लीटर की है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आप तीनों इसमें काम कर सकते हो बड़े आराम से, यानी कि हर टाइप ऑफ कुकिंग आपको इसमें अवेलेबल है। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर ऑफ प्रोडक्ट वारंटी है और 5 साल की वारंटी है मैग्नेट्रॉन पे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। बाकी स्टार्टर किट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें, मल्टी कुकिंग कर सकते हैं आप, डीप फ्राई कर सकते हो, तवा कर सकते हो, इंडियन रोटी बास्केट आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। और बाकी सारी अलग अलग टाइप ऑफ कुकिंग तो आप इसमें कर ही सकते हो जो आपको
नॉर्मली पता है। बाकी अंदर स्टेनलेस स्टील कैविटी है, मैग्नेट्रॉन पे 5 साल की वारंटी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, LED डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है, तो एक LG का भरोसा तो आपको साथ मिलता ही मिलता है। और काफ़ी अच्छा ये एक चॉइस हो सकती है, अगर आप LG पहले भी यूज़ कर चुके हो और एक LG के अच्छे फ़ैन हो तो आप इस वाले ओवन की तरफ जा सकते हो। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन था, आई होप आपको पसंद आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। दोस्तों यहाँ पे हमने चौथे नंबर पर या चौथी कह सकते हैं चौथे में हमने रखा है यहाँ पे गोदरेज का 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन, और ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी सुंदर ऑप्शन है और काफ़ी स्टाइलिश ऑप्शन आप कह सकते हो। ये एक फुली फंक्शनल है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑटोमेटिक मेन्यू मिल जाते हैं, ग्लास डिज़ाइन आपको मिलती है, यहाँ पे आपको जो ऊपर की तरफ इंग्रेविंग मिलता है वो काफ़ी सुंदर मिलता है। बाकी इसकी कैपेसिटी जो 30 लीटर की है कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो, सारी टाइप ऑफ कुकिंग कर सकते हो। टर्गेट्स में अवेलेबल नहीं है। वारंटी की बात करें तो सिर्फ 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी है, मैग्नेट्रॉन पे आपको कोई भी एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलती है, जैसे कि आपको LG में देखने को मिली या अदर ब्रांड में देखने को मिली। और बाकी अगर आप Amazon से लेते हो तो इजी रिटर्न्स आपको मिल जाता है 10 डेज का, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और काफ़ी डिज़ाइन अच्छा है, अगर वैसे तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर इसकी जगह आप LG भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, IF भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन गोदरेज में यही एक अच्छा था इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला। आई होप आपको ये पसंद आया हो। बढ़ते हैं पांचवें ओवन की ओर। दोस्तों बात करते हैं पांचवी माइक्रोवेव ओवन के बारे में, तो ये मेरा अब तक का फेवरेट है और काफी ज्यादा बेहतर लगा और वन ऑफ दी बेस्ट है इस लिस्ट में। अगर आप आग बंद करके लेना चाहते हो, आपको कोई आइडिया नहीं कौन सी कंपनी लेनी है, तो मेरी मानो सैमसंग ले लो। सैमसंग ये 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, यानी कि एक फैमिली के लिए काफी है, 5 से 6 लोगों के लिए, और काफी सारी कुकिंग आप इसमें कर सकते हो, सारी टाइप की ऑलमोस्ट कुकिंग कर सकते हो क्योंकि ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। और अगर मैं बात करूं मेम्ब्रेन आपको इसमें मिल जाती है कंट्रोल मेथड वाली, डोर टाइप हैंडल है जो कि आप देख सकते हो, LED डिस्प्ले मिल जाता है और कन्वेक्शनल हीटर मिलता है। बाकी मैं बात करूं डिफ्रोस्ट ऑटो फ्रोस्ट सारी चीजें आप इसमें बड़े आराम से कर सकते हो, और इसमें भी LG की तरह आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अगर और 5 ईयर्स की एडिशनल वारंटी मैग्नेट्रॉन पे मिलती है, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छा ऑफर हो सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग माइक्रोवेव ओवन, वायर ट्रैक, क्रशी प्लेट्स एंड क्विक गाइड लेबल यहां पे आपको मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल हो जो एक माइक्रोवेव ओवन के साथ होनी चाहिए। और काफी अच्छी बॉडी, स्टफ बॉडी मुझे लग रही है देखने में, हालांकि इतनी सुंदर नहीं जैसे गोदरेज ने बना रखी, लेकिन इसकी इंटरनल फंक्शनिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और इसके अंदर का भी सब कुछ स्टेनलेस स्टील का है। ये मेरा एक ऑप्शन हो सकता है अगर पर्सनली मुझे लेना हो। अगर आप थोड़ा बड़ा लेना चाहते हो 30 लीटर में भी, यहाँ पे मैंने IFB का प्रोवाइड किया, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पांचों माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में बात कर ली है, तो चलते हैं वापस स्टूडियो में और चर्चा करते हैं इन ओवन्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सारे माइक्रोवेव ओवन्स को देख लिया है, आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। और अगर आप मुझसे पूछें कि हिमांशु तुम कौन सा रिकमेंड करोगे इन पांचों में से, तो देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से LG और सैमसंग दोनों ही, LG सैमसंग और IFB ये तीनों एक कड़ी टक्कर देते हैं, हालांकि ये तीनों मतलब कुल मिला के हायर को और साथ ही साथ गोदरेज को डाउन कर देते हैं और ये तीनों टॉप पर आ जाते हैं, LG, सैमसंग और ये आपका IFB। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा ले, तो मैं खुद अगर पर्सनल लेना होता, अगर रेट मेरे पास 10,000 रुपए अवेलेबल होते तो ऑब्वियसली मैं सैमसंग लेता, लेकिन अगर थोड़े और पैसे होते तो IFB भी लेता। ये दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड है और LG तो अपनी जगह बहुत अच्छा है, तो मैंने अपना काम कर दिया। अब आप चॉइस करो कि आपको कौन सा लेना है, सारे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस कलर का बटन होगा दबा दीजिएगा और साथ ही साथ घंटा जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमें उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम चीजें अपडेट करते रहते हैं। और आसपास सफाई रखें, बड़ों की इज्जत करें, डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। थैंक यू।